ये क्या शोर शराब? देखो ना शेखर, डिग्री मिलने में 2-3 महीने रह गए हैं और ये भाई कॉलेज छोड़ के जा रहा है, कहता है मामा ने खर्च बंद कर दिया। ये बात है। देख संजीव, अगर तूने इम्तिहान नहीं दिया तो मैं घर से बंदूक मंगा के पहली गोली तुझे मारूंगा, दूसरी तेरे मामा को, तीसरी सुनील को और चौथी अपने आप। शेखर कह दे से, अगर ये इम्तिहान में नहीं बैठा तो मैं भी नहीं बैठूंगा। सुनील मुझे माफ कर, तेरी दोस्ती की कसम मैंने तुझे पराया कभी नहीं समझा। मैं इम्तिहान दूंगा। संजीव हिप हिप हुर्रे। या तो मैं फर्स्ट आऊंगा या ये, तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगी कि मेरा संजीव ही फर्स्ट आए। वाह ये खूब रही, माँ मेरी और दुआएं इसके लिए। अरे पगले, मेरी दुआएं तुम दोनों के लिए हैं। देख तेरे लिए तेरे पिता बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, धन और नाम की जरूरत तो इसे है। हाँ संजीव, मुझे तुमसे कुछ सलाह करनी है बेटा। और मुझसे सलाह? हाँ, वैसे तो सुनील मेरी हर एक बात मानता है, लेकिन जब कभी शादी की बात करती हूँ तो कानों में उंगली डाल लेता है। मौसी मैं कान से पकड़ कर इसकी शादी करवा दूँ। कोई लड़की है तुम्हारी नजर? अरे बेटे एक दो नहीं, 10-20 देख रखी है, आगे इसकी पसंद। अरे मौसी हम दोनों पसंद करेंगे, इसकी क्या जरूरत है। हाँ। देख संजीव, शिमले में रहना है या नहीं? आंख मत दिखा, मैं अपनी मौसी के घर आया। शाबाश बेटा शाबाश, तू ही इसे काबू कर सकता है। जरा अच्छी तरह समझा, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। चक्कर आते ही माँ के साथ मिल गया, उसका क्या बनेगा? जिसके मुखड़े की किताब पढ़ पढ़ कर तूने इम्तिहान दिया? जी हाँ, वो कोई दूसरा ढूंढ लेगी। तो मैं जहर खा लूंगा, जलेबी में डाल के खाना। इतना भी नहीं समझता, माँ के सामने ऐसी बात छुपानी पड़ती है। बम की तरह मौसी को थोड़ी बता दूंगा कि तू गीता के चक्कर में। गीता? कौन गीता? कौन गीता? कौन भगवत गीता? हाँ भगवत गीता। मौसी मैं इसे समझा रहा था कि वो भगवत गीता कैसे लिखी गई थी और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने वो क्या सुदर्शन चक्र कैसे चलाया। सुदर्शन चक्र को छोड़कर इससे शादी के चक्कर की बात करो। इससे कब इनकार है? वो जरा पहले बीए का रिजल्ट तो निकला है। तो वो कौन सा दूर है? लो लो चाय पियो। जय हो, जय हो जजमान मणि राम की जय हो। अरे आप पंडित राम करो से। अरे आजकल बनारस का मौसम कैसा है? वो तो धर्म की नगरी है जजमान, बनारस के मौसम का क्या कहना। हाँ आपका पत्र मिल गया था, बेटी धनवंती के लिए बहुत अच्छा वर देख के आया हूँ। अच्छा कौन है लड़का? मुगलसराय के स्टेशन मास्टर हरि बाबू का लड़का चंद्रू है। चंद्रू? अरे पंडित भाई लड़के का नाम कुछ जचा नहीं है जजमान। हाँ। लड़के का असली नाम है चंद्र प्रकाश, परंतु बचत के ख्याल से चंद्रू कहते हैं। बचत के ख्याल से? फिर तो खानदान जरूर अच्छा होगा। बहुत अच्छा खानदान है। हाँ। लड़का बीए में पढ़ता है। हाँ। घर का मकान है। हाँ। खाने पीने की तंगी नहीं और लोग लालची भी नहीं है। बस 15-20 हजार से ज्यादा खर्च नहीं आएगा शादी पर। 15-20 हजार? अरे पंडित मैंने कोई 5-7 शादियां करनी है, मेरी लड़की अंधी लंगड़ी लूली नहीं है जो किसी को रिश्वत देकर मैं उसकी शादी करूंगा। वह सुंदर है, सुशील है, गुणवंती है और उसका नाम भी धनवंती है। मुझे तो पंडित ऐसा लड़का चाहिए जो मंदिर में शादी करके उसे अपने ही टांगे पर बिठा कर अपने घर ले जाए। अरे बड़े सेठ हैं आप, एक ही संतान है आपकी, तो ये सारा धन दौलत किसके लिए है? अरे देख पंडित ये मेरा प्राइवेट मामला है, मैं मरते वक्त अपना धन गवर्नमेंट को देकर जाऊं या अपनी छाती पर लेकर चला जाऊं, इससे किसी को क्या। परंतु श्रीमान हिंदू धर्म की रीत अनुसार लड़की को खाली हाथ भी तो विदा नहीं करते। देख राम भरोसे मैं पैदा पुराने जमाने में हुआ था मगर आजकल मैं जरा मॉडर्न हो गया हूँ। अरे जिसे कन्या दे दी सब कुछ दे दिया और फिर कन्या के भाग में होगा जहाँ जाएगी दौलत ही दौलत होगी। अच्छा श्रीमान, परंतु ऐसा घर ढूंढने में 2-4 वर्ष लग जाएंगे। तो कोई, मुझे भी तो 7 वर्ष लगे थे धनवंती की माँ को ढूंढने में। हाय हाय क्या औरत थी, ऐसी बीवी किसको मिलेगी। मैं सच कहता हूँ पंडित, शादी के बाद 4 वर्ष तक वो जिंदा रही, मुझे उसी की आत्मा की कसम उन 4 वर्षों में उस बेचारी ने कभी 2 वक्त पेट भरकर खाना नहीं खाया था। अच्छा पंडित ये बता कि तेरी निगाह में कोई अच्छी सी लड़की है? लड़की? हाँ
किसके लिए? अरे मेरे लिए नहीं, मेरे भांजे संजीव के लिए। ओ, संजीव कुमार। हाँ। पढ़ा लिखा कहाँ तक? यही कोई बीए के आसपास। मेरी नजर में बहुत ऊंचे घर की लड़की है। आ देख भाई, नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं चाहिए, ये बता देंगे क्या? आप तो मॉडर्न है ना। हाँ, सिर्फ लड़की के मामले में। मगर जजमान, ये लड़की इकलौती है माँ बाप की। इकलौती है तो फिर आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, चुप क्यों हो गया है? बाप की एक कोठी बनारस में, एक गांव में, खानदानी जमींदारी, 8-10 लाख रुपए बैंक में, ये सब का सब लड़की के नाम कर देंगे। अरे पंडित, फिर तो ये रिश्ता मंजूर पक्का। आज घर में गुड़ भी नहीं है वरना तेरा मुंह मीठा कराता। देख पंडित, तू बनारस कब जा रहा है? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर जजमान लड़की के बारे में कुछ और कहना। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना, अगर वो विधवा है तो भी चलेगी, अगर सुहागन है तो भी चलेगी। लड़की तो कुंवारी है मगर अंधी है। अरे तो क्या हुआ, मैंने कौन सा खाता पढ़वाना है उससे, ये बता। तो बनारस कब चलेगा? अभी 5-7 दिन तो मुझे यहीं लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तू ऐसे कर कि मुझे उनका पता दे दे, मैं आज ही बनारस चला जाता हूँ। क्या लिख दे पता? बहुत अच्छा, मगर जजमान हवाला मेरा दे रहे। धन्यवाद।